प्रणाम ड्रैगन बॉल फैंस, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रक्षित जी। वैसे तो मैं वन पंच मैन का वीडियो ला रहा था, लेकिन हमारा चैनल तो सिर्फ ड्रैगन बॉल सीरीज के ही इर्द गिर्द घूमता है। अभी ड्रैगन हिंदी एक्स ने, विक्सर ने और मैंने खुद ने भी ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब के बारे में बात करी थी और मुझे लगा कि ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब के बारे में और भी बात करनी चाहिए। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कार्टून नेटवर्क वालों, ये सब चीजें सीखी हमने ड्रैगन बॉल जी से। अगर आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाना चाहते हो तो ड्रैगन बॉल जी और उसके जैसे अच्छे एनिमेस कार्टून्स वगैरह को दिखाना शुरू कर दो। तो सबसे पहले वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में क्यों ड्रैगन बॉल जी कार्टून नेटवर्क से हट गया था, दूसरे पार्ट में क्यों ड्रैगन बॉल सुपर अभी तक हिंदी डब में नहीं आया है, तीसरा पार्ट जो मेन है क्या सिखाया है हमें ड्रैगन बॉल जी ने अभी तक और क्यों हम इस एनिमे के लॉयल फैंस हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैन हैं तो मुझे लगता है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। दोस्तों, ड्रैगन बॉल जी अपने टाइम का सबसे बेस्ट एनिमे था। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतरीन एनिमे था। ड्रैगन बॉल जी इंडिया में आया 2001 या 2002 में और तभी से ही ड्रैगन बॉल जी के लिए लोगों का क्रेज बहुत ज्यादा था। ड्रैगन बॉल जी आता था टूनामी ब्लॉक में और उसमें बैनर आता था पीजी का, जिसका मतलब था पेरेंटल गाइडेंस। तो पेरेंट्स को शुरुआत में ही ड्रैगन बॉल जी से चिढ़ हो गई और लड़ाई देखकर तो उनका दिमाग खराब हो गया। दोस्तों, जब ड्रैगन बॉल जी कार्टून नेटवर्क पर खत्म हो गया था तब मैंने बहुत सारे सर्चेस किए और मैक्सिमम सर्चेस के आंसर निकल रहे थे कि ड्रैगन बॉल जी को कार्टून नेटवर्क पर से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो बहुत वायलेंट है और उसकी वजह से बच्चे बिगड़ सकते हैं, ये कहना था पेरेंट का। और दूसरी तरफ कार्टून नेटवर्क की एक हरकत तो है ही सही कि वही सब कुछ वापस चलाना, 10 बार चलाना, 20 बार चलाना, 25 बार चलाना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, रेटिंग्स कम हो गई होगी, पेरेंटल गाइडेंस वाली बात भी है, रेटिंग्स भी कम हो गई और फिर आने लगे बेन 10 और बहुत सारे नए कार्टून्स जिन्होंने साइडलाइन कर दिया जॉनी ब्रावो, पोपाय, लूनी टून्स और सभी पुराने बेहतरीन कार्टून्स को और एनिमेस को। लेकिन उसके बावजूद भी ड्रैगन बॉल जी कार्टून नेटवर्क पर काफी समय तक सरवाइव करता रहा। एट द एंड ड्रैगन बॉल जी कार्टून नेटवर्क पर से हट गया और फिर हम सभी ड्रैगन बॉल फैंस ने कंप्लेन करी कि प्लीज ड्रैगन बॉल जी को वापस ले आओ, प्लीज प्लीज प्लीज, ड्रैगन बॉल भी आ गया था तो ड्रैगन बॉल को भी वापस ले आओ और दूसरे एनिमेस को भी वापस ले आओ प्लीज। और जैसा मैंने कहा, नए कार्टून्स आ रहे थे और ड्रैगन बॉल जी पुराना हो चुका था और फिर धीरे धीरे अच्छा कंटेंट कार्टून नेटवर्क पर से गायब हो गया। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी कि कार्टून नेटवर्क इंडिया का है, पोगो इंडिया का है, हंगामा इंडिया का है, तो ये सब चैनल्स प्रमोट करना चाहते थे इंडियन शोज। अब ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि 2015 की दिवाली में ये कंफर्म हो गया था कि ड्रैगन बॉल सुपर साउथ एशिया में 2016 जुलाई अगस्त के बीच में आ जाएगा, जिसमें इंडिया का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन स्टूडियोज अलग होने की वजह से यूएस में फनीमेशन ने ड्रैगन बॉल सुपर को पहले रिलीज किया और इंडिया और साउथ एशिया कंट्रीज के अंदर कोई दूसरा स्टूडियोज का नाम थोड़ा अजीब सा है, उसने ड्रैगन बॉल सुपर का इंग्लिश डब किया है और उस स्टूडियो का डब हमें देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ टूनामी पर। मैंने तो खुद ने एयरटेल डिजिटल टीवी लगवाया था सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर को देखने के लिए और ड्रैगन बॉल जी को देखने के लिए। और टूनामी ने वादा भी किया था कि हिंदी फीड में जल्द ही ड्रैगन बॉल सुपर और सारे जो कार्टून्स हैं और एनिमेज हैं वो जल्द आने वाले हैं। लेकिन इस चैनल की कम अवेलेबिलिटी होने की वजह से ड्रैगन बॉल सुपर और दूसरे एनिमे और दूसरे कार्टून्स की रेटिंग्स टाइटाय फिस हो गई। और दोस्तों, सही बात है, कौन टूनामी देखेगा जब डीटीएच पर वो चैनल ही नहीं आता हो। और फिर से कार्टून नेटवर्क ने वही हरकतें चालू करी अपनी कि वापस से एपिसोड को दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर कर दो, पहले की जगह 10वां दिखा दो, 10वें की जगह 5वां दिखा दो, ऐसे ऐसे कर इन्होंने और रेटिंग्स अपनी नीचे गिरवा ली। और अब आप सिर्फ देख सकते हैं टूनामी पर जॉनी ब्रावो, ड्रैगन बॉल जी, डेक्स्टर लेबोरेटरी, पावर पफ गर्ल्स और सारे जो पुराने कार्टून्स आते थे वो आप टूनामी पर अब देख सकते हैं। और फिर से वो सबसे बड़ी बात आती है, उन्हें बाहर के शोज को तो डब करना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ इंडियन शोज को प्रमोट करना है और कार्टून नेटवर्क, पोगो, हंगामा सब ही चैनल्स पर चलाना है। भले ही पोकेमोन के पुराने एपिसोड्स को वापस से डब करके दे देंगे, ड्रैगन बॉल जी को भी दिखा देंगे तक ही दिखाएंगे जहाँ तक वो दिखाना चाहते हैं, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करा तो हमारे इंडियन शोज का क्या होगा। अब कार्टून नेटवर्क वालों सुनो, ड्रैगन बॉल जी ने हमें क्या सिखाया और तुम्हारे जो ऑन गोइंग कार्टून्स है वो हमें क्या नहीं सिखा रहे हैं। ड्रैगन बॉल जी ने हमें जुझारू बनना सिखाया, हमें सिखाया कि यार कुछ भी हो, कितने भी आप डाउन फील कर रहे हो, कितना भी बुरा फील कर रहे हो, आप उससे बेहतर कर सकते हो, आप अभी भी और अच्छा कर सकते हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप जो सोचोगे आप वो करके दिखाओगे। और अगर आप सच में चाहते हो कि मैं सुपर सैयन बनूं तो हाँ,
शायद आप कभी सुपर सेन भी बन जाओ। मास्टर रोशी ने सिखाया कि अगर आपका कोई सच्चा स्टूडेंट है तो आप उसको अपने आप से भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हो, लेकिन अगर उसमें घमंड आ जाए तो उसको तोड़ने का फर्ज भी आपका है। बुलमा ने सिखाया कि अगर आप किसी चीज में बेस्ट हो तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करनी चाहिए। चीची ने सिखाया कि अगर आप किसी चीज में स्पेशल भी हो तो भी आपको दूसरे सारे काम मन लगाकर और अच्छे से करने चाहिए। पिकलो ने सिखाया कि क्या हुआ अगर आपने पहले बहुत बुरे कर्म किए हों, लेकिन अगर आप अभी किसी नए जीवन को अच्छे कर्म और ताकतवर बना देते हैं, जैसे कि उसने गोहान को बनाया, तो आपके सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। क्रेलिन ने सिखाया, डर मुझे भी लगता है, लेकिन अगर बात मेरे परिवार मेरे दोस्तों की हो, मुझ में भले ही ताकत ना हो लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेजिटा ने सिखाया कि अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा ना हो और उससे आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका दिल साफ होना चाहिए, लेकिन वो चेंज एकदम से नहीं होता है, उसके लिए आपको धीरज की जरूरत है। और इस वजह से वेजिटा आज ड्रैगन बॉल सुपर का वन ऑफ द मोस्ट काइंड हार्टेड कैरेक्टर है और सबसे कड़क भी है। गोकू ने सिखाया, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो उसके बाद भी अपने काम को उतने ही प्यार से, उतनी ही शिद्दत से और अच्छे से करते रहना और खुद को इम्प्रूव करते रहना, और जो अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं हो सकते हैं उनके लिए कुछ भी कर गुजरना, सबसे एक ही तरह का व्यवहार करना। फ्यूचर ट्रंक्स ने सिखाया, अपनी होप कभी ना छोड़ो और आप ऐसा कुछ कर सकते हो जो किसी ने आज तक ना किया हो। आखिर में गोहान ने सिखाया कि आप इतने परफेक्ट बन जाओ कि किसी भी सिचुएशन का सामना आप कर सको, और अगर नहीं कर सको तो उसके सामने जूझ तो सको, जिस चीज की जरूरत जब पड़े वो आप कर सको, और अगर नहीं कर सको तो खुद को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करके उस सिचुएशन का बैंड बजा दो। ड्रैगन बॉल जी में भले ही अनइमेजिनेबल पावर हो, लेकिन उसमें जो वैल्यूज दी हैं, फैमिली की, फ्रेंड्स की, दूसरों की हेल्प करना, और खुद कितने ही बड़े 30 मार खां हो उसके बावजूद भी अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना, फाइट सीन्स जो एक्चुअली में टेक्निक्स हैं अगर आप उन्हें स्लो मोशन में देखें और आप उनको सीख भी सकते हैं, तरह तरह की पॉसिबिलिटीज की, एक बुरा आदमी भी अच्छा इंसान बन सकता है और पूरी दुनिया को बचा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से एक नेगेटिव बात भी शेयर करना चाहूंगा। हम सारे ड्रैगन बॉल फैंस एक पर्टिकुलर करेक्टर के बहुत बड़े फैन होते हैं, कभी गोहान के, कभी गोकू के, कभी वेजिटा के। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर करेक्टर के फैन ना रहें, क्योंकि अगर आप में उस करेक्टर की अच्छाइयां आएगी तो उसकी बुराइयां भी आएगी। तो आप सभी करेक्टर्स को उतना प्यार दीजिए जितना आप एक पर्टिकुलर करेक्टर को देते हो, उन सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहिए। दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए अपने आइडियाज कमेंट बॉक्स में कि कैसे हम सब मिलकर, अकेले नहीं सब मिलकर, ड्रैगन बॉल सुपर का हिंदी डब लेकर आ सकते हैं। ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, फैन डब की नहीं। वीडियो लंबा और अच्छा लगा तो लाइक करे बिना तो जाना मत, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए ताकि हम लोगों का फैन बेस और बढ़े ड्रैगन बॉल सुपर के लिए, ताकि हम हिंदी डब जल्द पा सकें। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, और अब 5000 सब्सक्राइबर्स के पूरे होने के बाद वाले वीडियो में मिलते हैं।